इसके अलावा इनकी जो कुछ कानपुर में कंपनियों की बात आई है सामने, उसमें कुछ करोड़ों रुपए की हेरा फेरी की बात सामने, वो क्या मामला है? हाँ है ना, इन लोगों ने दो कलकत्ता बेस्ड कंपनी में अपना कैश पंप किया और उस दो कंपनी से हाई प्रीमियम पर अपना शेयर बेच दिया, मतलब उसका सिक्योरिटी प्रीमियम उससे ले लिया। बीएल एग्रो ने या बीएल एग्रो वालों? हाँ, और वो करीब 30-35 करोड़ का वो है। और उन दो कंपनी को, जब उन दो कंपनी को ट्रेस किया तो उन दो कंपनी में कुछ है ही नहीं, वहाँ शेल कंपनी, देयर इज नथिंग। और इनकी चाल का कि देखिए उन दो कंपनी को फिर से इन्होंने अमलगमेट कर लिया अपने आप, बताइए, ताकि ट्रेस न मिले। जब आज कुछ पूछते हैं तो पता चलता है कि नहीं जी साहब, आज तो ये नहीं है वो नहीं। अब इसके अलावा, हालांकि अब मैं कहना नहीं चाहता, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों की ये सब साजिश रहती है, अब तथ्य सामने आएगा। हम तो उनके घर भी गए हैं, पहुँचे हैं, मतलब उनके ऑफिस पे। और इसी तरह से करीब 7-8 कंपनी हैं जो कि जिनके यहाँ से वो क्रेडिट बी एल एग्रो ने लिया है, लेकिन उसको कंपनी को आर ओ सी में स्ट्राइक ऑफ कर दिया। अब RSU की भी स्ट्राइक ऑफ इनकम टैक्स को बिना अपॉर्चुनिटी के करना नहीं चाहिए, लेकिन वो कंपनी स्ट्राइक ऑफ है आज के दिन में। बट देन उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें मिलनी चाहिए भाई, ठीक है। आज के दिन में कंपनी मान लीजिए 2016 में स्ट्राइक ऑफ हो गई, तो उसके पहले तो थी, जहां आप टर्नओवर 130 करोड़ बचा रहे हैं बता रहे हैं, कैश डिपॉजिट ऑफ 130 करोड़ बैंक में डिपॉजिटेड आप बता रहे हैं। यू हैव टू एक्सप्लेन इफ़ इट इज़ अ सेल प्रोसीड्स, देन यू शुड हैव ए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड होना चाहिए। ऑडिटेड है तो आप मुझे बताइए, सेल बिल दिखाइए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाइए, हम आपकी बात मान लेंगे। अगर नहीं है तो ज़रूरी लफड़ा है, कुछ घपला है, आपने वो सारी साजी मजिज करके फिर बुक्स को आपने अपने इसमें लाया है। तो अभी ना बुक्स मिला है, ना ही वो कुछ बता रहे हैं। तो अगर देखिए, लॉ प्रज्यूम्स दैट कि अगर कुछ है तो यू हैव टू प्रूव इट, अगर आप प्रूव नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि ये आपकी अनअकाउंटेड। अगर कोई संतान है, अगर आपकी अकाउंटेंट संतान है तो हमें प्रूफ करना होगा कि ये हमारी संतान है, नहीं तो माना जाएगा कि अनअकाउंटेड संतान। कॉपरेट नहीं कर रहे हैं? यस, कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या नाम है जिसको? बजाज एंड अरोरा। वहाँ ऋचा खंडेलवाल का है, लेकिन वहाँ पर बी एल एग्रो के इन्वॉल्वमेंट है उसके घर पे, मैं एक दूतम में उसका घर मिला है, बट अभी तो कुछ कहना मुश्किल है। अभी चल रहा है, एक आपने ब्यूटी पार्लर पर भी किया? हाँ, ब्यूटी पार्लर पर भी करी। अब ब्यूटी पार्लर भी उनकी एक कहते हैं कि उनके पसंद की कोई हैं, रुचि करके हैं, रुचि संधु करके हैं, तो वो रुचि जो है वही ब्यूटी पार्लर चला रही है। अब मैं क्या कहूँ, फैमिली मेंबर हैं कि क्या है, वही पता नहीं, महिला है मित्र तो आप समझ सकते हैं। पार्टनर तो हम तो ऑफिशियली डायरेक्टर तो हैं कंपनी में, बट अनऑफिशियली भी बहुत कुछ है जो कि आपको बाद में खुलासा करूँगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यस, क्यों नहीं करोड़ों रुपये? करोड़ों का मतलब क्या होता है? 30 करोड़ तो कलकत्ता वाली कंपनी का है, बाकी ये 7 करोड़ में एक कंपनी में 130 करोड़ का कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ इंडिया कानपुर बैंक में है। या तो आप प्रूफ करिए कि ये सेल प्रोसीड्स आपका है, अगर नहीं है तो ये माना जाएगा कि ये सेल ये आपका है। प्राइमा बेसी में माना जाए 137 करोड़ तो कंफर्म नहीं? नहीं 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 नहीं, ऑफकोर्स ये तो एक साल की बात कर रहा हूँ। अब अगर आपकी कंपनी चल रही थी, 2016 में स्ट्राइक ऑफ हुई तो उसके पहले तो कंपनी चल रही थी ना, तो चल रही थी तो आप प्रूफ करिए कि कंपनी चल रही थी, और चल रही थी तो बुक्स 100 करोड़ या 50 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो ऑडिटेड होगा, अगर ऑडिटेड है तो आप हमें बताइए। जीएसटी से बचने के लिए भी इन्होंने खेल किया है? जीएसटी के लिए तरीके से इन्होंने खेल, ये आपस में टर्नओवर घुमाते हैं, जीएसटी से बचाने के लिए अनब्रांडेड आइटम्स में सेल करने लगे। हमारे पास एक साल की डाटा है जिसमें 130 करोड़ का डिपॉजिट है। स्वदेशी एडिबल ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड है जिसका की बेनिफिशरीज टोटल बी एल एग्रो ही है। तो तुम आपको मालूम है तो मेरे से क्या पूछते हैं? अब कुछ थोड़ा निकालने की कोशिश की, निकला है कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन भी चेक हुआ है सर?